नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 17 जुलाई दिन बुधवार। खबरों के उभरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती परीक्षा को स्वच्छ रूप से करवाने की आयोग ने की तैयारी। बिहार में इस दिन से पशु गन्ना होने की है संभावना। पेशा कर का भुगतान नहीं करने पर लग सकती है पेनल्टी। बिहार के चयन कार्यक्रम को अन्य राज्यों में भी चलाने के लिए एनसीईआरटी करेगी प्रेरित। राजनीति में आने के सवाल पर पंकज त्रिपाठी का बयान, चोरी हो गया है आपका स्मार्टफोन तो ये पोर्टल आएगा काम। रोहित शर्मा ने बताया अपने कैप्टन कूल का राज। अब चले बढ़ते अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडिया पोस्ट ने जीडीएस के पदों पर निकाली भर्ती। आवेदन प्रक्रिया है शुरू और आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 अगस्त है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट इंडिया पोस्ट gds.online.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत 44,228 पद भरे जाएंगे। भर्ती के लिए जरूरी है कि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास किया हो। साथ ही आपकी आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। जिस क्षेत्र में के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहां की आपको लोकल भाषा भी आनी चाहिए। इस भर्ती के तहत ग्रामीण डाक सेवक, ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के पद भरे जाएंगे। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती परीक्षा को स्वच्छ रूप से करवाने की आयोग ने की तैयारी। 19 से 22 जुलाई तक बिहार में तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है। इस परीक्षा को लेकर आयोग पूरी तरह से तैयार है। इसकी जानकारी आयोग के अध्यक्ष रवि मनुभाई पारमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि TRE-3 में नए तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि पेपर लीक करने वाले चैनल को तुरंत चिन्हित कर लिया जाएगा। पेपर लीक हुआ भी है तो उसका विस्तार उसी जिले तक होगा, दूसरे जिला पर असर नहीं पड़ेगा। इसके लिए हर जिले के हिसाब से प्रश्न पत्र सेट किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी परीक्षा स्वच्छ और कदाचार रूप से हो, इसके लिए कई तैयारियां की गई हैं। बाढ़ के दौरान इन बातों का रखे ख्याल। आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ से सुरक्षित रहने की जानकारी साझा की है, जहाँ बताया गया है कि बच्चों को बाढ़ के पानी में ना जाने दें। क्षतिग्रस्त बिजली उपकरणों का प्रयोग नहीं करें, पहले उनकी जांच करा लें। बिजली के टूटे खंभों और तारों, धारदार चीज़ों और मलबों से सतर्क रहें। बाढ़ के पानी में भींगा खाना ना खाएं। मलेरिया से बचने के लिए मच्छरदानी लगाएं। पानी की पाइप या सीवर में टूट फूट हो तो शौचालय या नल के पानी का उपयोग ना करें। इस दौरान किसी भी तरह की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 0612-229-4204 या 205 और टोल फ्री नंबर 1070 पर संपर्क कर सकते हैं। चोरी हो गया है आपका स्मार्टफोन तो ये पोर्टल आएगा काम। आज के समय में स्मार्टफोन हर किसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुका है। ऐसे में यदि आपका स्मार्टफोन ही खो जाए या चोरी हो जाए तो सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है, क्योंकि इसमें आपका डॉक्यूमेंट, प्राइवेट डेटा, ऑनलाइन बैंकिंग और ना जाने कई चीज़ें होती हैं। ऐसे में आप अपने खोए हुए फ़ोन या चोरी हुए फ़ोन को ढूंढने के लिए CEIR पोर्टल की मदद ले सकते हैं। ये केंद्र सरकार का एक पोर्टल है जो आपके फ़ोन को ढूंढने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। हालांकि सबसे पहले आपको अपने खोए हुए फोन की FIR दर्ज करवानी जरूरी है। FIR दर्ज करवाने के बाद जब आपको कंप्लेन नंबर मिल जाएगा तो आप इसकी मदद से CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। इसके लिए आपको sanchar-sathi.gov.in पर आना होगा। फिर यहां ब्लॉक योर लॉस्ट या स्टोलन मोबाइल का ऑप्शन आएगा, इसे क्लिक करते ही CEIR पोर्टल खुलेगा। यहाँ अपने फ़ोन से जुड़ी सभी जानकारी भर दें, फिर आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस पोर्टल की मदद से अब तक 10 लाख फ़ोन ढूंढे जा चुके हैं। बिहार में इस दिन से पशु गन्ना होने की है संभावना। अक्टूबर से देश के पशुओं की गन्ना किए जाने की संभावना है। इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, जिसका काम अगस्त तक पूरा हो जाएगा। फिर इसके अंतिम रूप से परीक्षण का काम किया जाएगा। बिहार में अधिकारियों और गन्ना कर्मियों को पशु गन्ना के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो सितंबर तक पूरा हो जाएगा। बिहार में दिसंबर तक पशु गन्ना पूरा करने की उम्मीद लगाई गई है। अप्रैल 2025 तक इसकी रिपोर्ट प्रकाशित होगी। बिहार में करीब 2,60,71,000 घरों में जाकर पालतू जानवरों की गन्ना की जाएगी। पेशा कर का भुगतान नहीं करने पर लग सकती है पेनल्टी।
पेशा कर का भुगतान को लेकर आईपीआरडी बिहार ने जानकारी साझा की है, जहां बताया गया है कि यदि आप बिहार में जीएसटी या वीएटी या सीएसटी के अधीन निबंधित व्यवसायी हैं तो आप बिहार पेशा कर अधिनियम 2011 के अनुसार हर साल 2500 रुपये पेशा कर का भुगतान करना होगा। इसका भुगतान करना आसान है, आप ऑनलाइन माध्यम से इसका भुगतान कर सकते हैं। यदि आप चालान के माध्यम से बैंक में पेशा कर का भुगतान करना चाहते हैं तो उसके लिए पेशा कर के लिए विहित चालान पीटीएक्स द्वारा करें और उसमें अपना पैन जरूर अंकित करें। ध्यान रखें, सभी के लिए पेशा कर का भुगतान किया जाना कानूनी बाध्यता है। ऐसा नहीं किए जाने पर पेनल्टी हो सकती है। किसी भी तरह की असुविधा होने पर या विस्तृत जानकारी के लिए अपने नज़दीक के वाणिज्य कर कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए हेल्पलाइन डेस्क 0612-22-33-512-16 और टोल फ्री नंबर 1800-3456102 पर भी संपर्क किया जा सकता है। बिहार के विश्वविद्यालयों में 50% सीट नेट उत्तीर्ण शोधार्थियों के लिए होंगी आरक्षित। नेट परीक्षा उत्तीर्ण शोधार्थियों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में पीएचडी के लिए निर्धारित सीटों में से 50% सीट आरक्षित किए जाएंगे। वहीं पीएचडी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से शेष 50% सीट प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा भरे जाएंगे। सभी विश्वविद्यालय अपनी अलग अलग पीएचडी प्रवेश परीक्षा लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने इस संबंध में सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को आदेश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक विषय में उपलब्ध रिक्त पीएचडी सीटों पर रोस्टर लागू करते हुए 50% सीट यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर, नेट गेट और सीईटी के लिए आरक्षित होंगे। पर्यटन विभाग को 5 वर्षों के लिए सोनपुर मेले की मिली जिम्मेदारी हुई खत्म। सोनपुर मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखता है, लेकिन अब इस मेले को लगाने का मामला 2 विभागों के बीच फंसता जा रहा है। दरअसल इस मेले का आयोजन पिछले 5 वर्षों से पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता रहा है। पर्यटन विभाग को 5 वर्षों के लिए इस मेले की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन अब पर्यटन विभाग को इस मेले को लगाने का समय खत्म हो चुका है। ऐसे में चर्चा है कि पहले की तरह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ही इस मेले का आयोजन करेगा या पर्यटन विभाग द्वारा ही इस मेले का आयोजन करवाया जाएगा। इस बात का फैसला अंतिम रूप से राज्य सरकार अपने स्तर से लेगी। बिहार के चहक कार्यक्रम को अन्य राज्यों में भी चलाने के लिए एनसीईआरटी करेगी प्रेरित। बिहार में आयोजित होने वाले चहक कार्यक्रम को एनसीईआरटी दूसरे राज्य सरकारों को भी चलाने के लिए प्रेरित करेगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को सीखने की क्षमता का तेजी से विकास करना है। ये बिहार के सरकारी स्कूल में लागू हुआ है। इस कार्यक्रम से बच्चों का मानसिक विकास होगा। विभिन्न जिलों के सरकारी स्कूलों का एनसीईआरटी के अधिकारियों ने दौरा किया, इसके बाद अपनी रिपोर्ट दी। इस दौरान टीम में शामिल अधिकारियों ने बच्चों और शिक्षकों से बात की, साथ ही चेक कार्यक्रम के तहत दिए जाने वाले किट की जानकारी ली। इससे पता चला कि बच्चे स्कूल में समय बिताना पसंद कर रहे हैं और इस कार्यक्रम के तहत होने वाली कई गतिविधियां से काफी चीजें सीख रहे हैं। राजनीति में आने के सवाल पर पंकज त्रिपाठी का बयान। अभी हाल में ही मिर्जापुर 3 में पंकज त्रिपाठी कालीन भैया के किरदार में दिखाई दिए हैं। राजनीति को लेकर पंकज त्रिपाठी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि उन्हें राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि उनकी एक्टिंग की दुकान अच्छी चल रही है। वहीं मिर्जापुर 3 को लेकर उन्होंने बताया, मेरे कई दोस्तों ने कहा है कि वे मुझे और देखना चाहते थे और अंत में जब उन्होंने मुझे देखा तो वे संतुष्ट थे कि कालीन भैया वापस आ गए हैं। जब एक मजबूत किरदार कमजोर हो जाता है, जैसा कि सीजन में दिखाया गया था, यही वो मोड़ है जहां जीवन में आप हमेशा ऊपर नहीं होते बल्कि नीचे भी दिखते हैं। आपके मुताबिक पंकज त्रिपाठी को राजनीति में आना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। किसी बैंक खाता को बंद करवाने से पहले जान लेंगे बातें। हम में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास एक से ज़्यादा बैंक खाता मौजूद होगा। ऐसे में अगर आप किसी कारण से अपने किसी बैंक खाते को बंद करवाना चाहते हैं तो ऐसा करने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। अगर आप अपना बैंक खाता बंद करवा रहे हैं तो ध्यान रखें कि उस खाते को खुलवाए 1 साल से ज़्यादा हो गया हो। यदि आप अपने बैंक खाते को खुलवाने के 1 साल के अंदर ही बंद करवाते हैं तो आपको क्लोजिंग चार्ज देना पड़ सकता है। आपको ये भी बता दें कि बैंक खाता खुलवाने के 14 दिनों के अंदर ही अगर आप अपना खाता बंद करवाते हैं तो उस वक्त आपको कोई क्लोजिंग चार्ज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर खाता खुलवाए 14 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और 1 साल से कम है और आप इसे बंद करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्लोजिंग चार्ज देना ही पड़ेगा। जैसे खाते को आप बंद करवाना चाह रहे हैं या उसमें जमा पैसे आप निकलवाना चाह रहे हैं, ऐसे समय में आपको केवल 20,000 रुपये ही कैश मिल सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बिहार की तारीफ की। देश के सभी राज्यों को ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर अपने प्रवासी मजदूरों का सत्यापन करने को कहा था। इस सत्यापन के बाद इन प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड जारी किया जाना था, लेकिन अदालत के इस आदेश के बावजूद भी कई राज्य सरकारों ने लापरवाही बरती, जिसका खामियाजा निम्न वर्ग के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इस लापरवाही को देखते हुए शीर्ष अदालत ने कई राज्यों को फटकार लगाई है। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने बिहार और तेलंगाना की तारीफ करते हुए कहा है कि ये ऐसे राज्य हैं जिन्होंने प्रवासी मजदूरों का 100% सत्यापन पूरा कर लिया है। अब व्हाट्सएप पर लगा सकेंगे 1 मिनट का वीडियो स्टेटस। इन दिनों व्हाट्सएप में कई तरह के बदलाव हो रहे हैं और नए फीचर जुड़ते जा रहे हैं। अब इसी कड़ी में व्हाट्सएप एक और अपडेट लेकर सामने आया है। अभी तक यूजर्स व्हाट्सएप स्टेटस पर 30 सेकंड का वीडियो लगा सकते थे, लेकिन अब इसके ड्यूरेशन को बढ़ाकर 60 सेकंड कर दिया गया है। अब व्हाट्सएप स्टेटस पर 60 सेकंड का वीडियो अपडेट किया जा सकता है। इसके बारे में व्हाट्सएप बीटा इन्फॉर्मेशन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी साझा किया है, जहां बताया गया है कि जल्द ही स्टेबल यूजर्स के लिए ये रोल आउट कर दिया जाएगा। पटना महावीर मंदिर की तरफ से खोला जा रहा वेद विद्यालय को पटना के महावीर मंदिर द्वारा शुरू किया जाने वाला है। इस वेद विद्यालय का संचालन दानापुर कैंट में अनुमंडल अस्पताल के सामने महावीर मंदिर द्वारा अधिकृत भवन में होगा। इसमें नामांकन लेने वाले बच्चों को भोजन और आवास की निःशुल्क व्यवस्था दी जाएगी। इसका शुभारंभ औपचारिक रूप से 21 जुलाई को होने वाला है। हालांकि विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया आरम्भ हो चुके हैं। 5वीं पास बच्चों का नामांकन इस वेद विद्यालय में हो सकेगा। बच्चों की अधिकतम आयु सीमा 12 वर्ष रखी गई है। इसे लेकर महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने बताया है कि ये वेद विद्यालय महर्षि सांदीपनी वेद विद्यालय प्रतिष्ठान उज्जैन से संबद्ध होने की प्रक्रिया में है। इस विद्यालय में वेद भूषण और वेद विभूषण की डिग्री दी जाएगी। वेद के साथ ही यहाँ संस्कृत व्याकरण की पढ़ाई भी होगी। वेद भूषण का कोर्स 2 साल और वेद विभूषण का कोर्स मिलाकर 7 वर्षों का ये कोर्स होगा। अभिभावक इसके लिए प्राण शंकर मजूमदार के फ़ोन नंबर 8118992209 पर संपर्क कर पूरी जानकारी ले सकते हैं। कमजोर पड़े मॉनसून के बीच उमस भरी गर्मी से परेशान है लोग। कमजोर पड़े मॉनसून के बीच प्रदेश में कई जगहों पर उमस और गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। बारिश को लेकर फिलहाल मौसम विभाग द्वारा कोई चेतावनी जारी नहीं की जा रही है। हालांकि आज पटना में कुछ जगहों पर बारिश की आशंका जताई गई है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और कुछ जगहों पर 34 से 36 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं कुछ जगहों पर 26 से 28 डिग्री रहने की बात कही गई है। 25,000 के इनामी अपराधी को बिहार पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार पुलिस ने अरवल जिले के अरवल थाना के अंतर्गत 25,000 के इनामी और जिले के टॉप 10 अधिकारियों की सूची में शामिल कुख्यात अपराधी बबलू शर्मा को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इस अपराधी का पहले से ही आपराधिक इतिहास रहा है। इसकी जानकारी बिहार पुलिस ने अपने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा की है। ये अपराधी कई महीनों से फरार चल रहा था, जिसकी पुलिस को तलाश थी। हालांकि छापेमारी कर पुलिस ने आई11 गाँव से इसे गिरफ्तार कर लिया है। बालू का नकली चालान बनाने वाला माफिया छापेमारी में हुआ गिरफ्तार। बिहार में बालू के खनन पर प्रदेश सरकार ने पूरी तरह से रोक लगा रखा है, बावजूद इसके अवैध बालू के कारोबार की खबर सामने आई है। अब इस पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत खनन विभाग और स्थानीय पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र के कई लई बाजार में एक सीमेंट दुकान में छापेमारी की। यहाँ से एक माफिया को गिरफ्तार किया गया, जो बालू के नकली चालान बनाने का काम करता था। इस छापेमारी ने गिरफ्तार हुए युवक के पास से 50 से 60 पीस नकली बालू का चालान, 2.5 लाख रुपए नकदी के साथ 2 लैपटॉप, 1 प्रिंटर, 1 रुपए गिनने वाले मशीन जब्त किए। गणित और विज्ञान विषय पर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की अध्यक्षता में बिहार में NEP 2020 के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के लिए गणित और विज्ञान विषय पर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। इसका शुभारंभ मंत्राचार चेंज के सहयोग से किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया एक्स के जरिए इसकी जानकारी दी है। VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता के निर्मम जान लेने के मामले में ये बातें आई सामने। बीते दिन VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता के निर्मम जान लेने का मामला सामने आया था। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की जान उनके घर में घुसकर ली गई।
अभी तक इस मामले में पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इसका पता सीसीटीवी के जरिए चला था। इस मामले को लेकर एडीजी जितेंद्र गांगवार ने मीडिया को जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि दरभंगा के 70 साल के जीतन सैनी अकेले रहते थे। संभवतः रात में अज्ञात लोगों ने उनकी जान ले ली। घर के अंदर और बाहर मिले साक्ष्यों की जाँच बहुत ही बारीकी से की जा रही है। उन्होंने बताया कि कागजात और पैसे से भरी एक अलमीरा बरामद की गई है, जिसकी जाँच जारी है। घर में 3 ग्लास पाए गए हैं, उसमें किस तरह का पदार्थ है, घर में 3 बाइक पाई गई है और बाइक किसकी है, इन सब की जांच हो रही है। मुकेश सहनी के पिता की जान लेने के मामले में तेजस्वी ने एनडीए सरकार पर बोला हमला। मुकेश सहनी के पिता की जान लेने के मामले में तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में एनडीए सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो राज्य में अब जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, कैसे भी, किसी भी की भी जान ले सकते हैं। आगे तेजस्वी ने दुख जताते हुए कहा कि वीआईपी पार्टी के संरक्षक और बड़े भाई मुकेश सहनी के पिताजी की अपराधियों द्वारा निर्मम जान लेने की दुखद खबर सुन स्तब्ध और मर्माहत हूँ। शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि इस दुख की घड़ी में परिजनों को दुख सहने की शक्ति एवं दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। पिता की जान लेने की घटना के बाद मुकेश सहनी का बयान। अपने पिता की जान लेने के मामले में मुकेश सहनी का बयान सामने आया है। उन्होंने ट्वीट के जरिए लिखा है कि मेरे पिताजी की बेरहमी से अपराधियों ने जान ले ली। पिताजी को इतनी क्रूरता से मारा गया कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि ये घटना हमारे पूरे परिवार के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और असहनीय है। हमारी आत्मा रो रही है। निषाद समाज के लिए ये दिन काला दिवस के रूप में जाना जाएगा, लेकिन ये हमें डरा नहीं सकता है। आगे उन्होंने कहा कि बिहार सरकार जल्द से जल्द दोषियों को सजा दिलाने का काम करे। आपको बता दें कि बीते दिन देर शाम 7 बजे के करीब में मुकेश सहनी के पिता का दरभंगा के सुपौल बिरौल बाजार में दाह संस्कार हुआ। रोहित शर्मा ने बताया कि अपने कैप्टन कूल का राज। 17 साल के लंबे इंतजार के बाद टीम इंडिया ने रोहित शर्मा की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। अब इस मैच को जीतने के बाद रोहित शर्मा अपने परिवार के साथ वक्त बिता रहे हैं। अभी हाल में ही रोहित शर्मा को USA में विंबलडन मैच एंजॉय करते हुए स्पॉट किया गया। रोहित शर्मा ने एक पॉडकास्ट में कहा है कि एक लीडर के लिए सबसे जरूरी होता है कि वो फ्रंट से लीड करे और अपने साथ ही खिलाड़ियों के लिए उदाहरण पेश कर सके। मेरे लिए जरूरी है मैं ऐसा परफॉर्म करूं कि उससे बाकी खिलाड़ी भी मोटिवेट हों। ये सिर्फ उतना नहीं कि आप फील्ड में क्या कर रहे हैं, बल्कि फील्ड के बाहर आपको हर स्थिति को अच्छे से संभालना पड़ता है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1948 में भारत में महिलाओं को भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा समेत सभी सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती होने की पात्रता मिली थी। आज के दिन वर्ष 1950 में पंजाब के पठानकोट शहर के पास भारत की पहली यात्री विमान दुर्घटना हुई थी। आज के दिन वर्ष 1997 में भारतीय महिला फ्री स्टाइल पहलवान पूजा सिहाग का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1943 में फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सिखों का जन्म हुआ था। ये परमवीर चक्र से सम्मानित एक भारतीय सैनिक थे। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे MSME मंत्रालय को लेकर वायरल हो रहे इस खबर के बारे में। @KBIC इंडिया द्वारा कथित रूप से एक फर्जी स्वीकृति पत्र जारी हुआ है, जिसमें MSME मंत्रालय ने PMIGP योजना के तहत 51,000 के भुगतान पर 17 लाख रुपए ऋण देने का दावा किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि MSME मंत्रालय अपनी किसी भी ऋण योजना के लिए व्यक्तिगत लाभार्थियों से सीधे तौर पर लेन देन नहीं करता है। ये आपको वित्तीय नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इस तरह के फर्जी खबरों पर ध्यान देने से बचें। PIB फैक्ट चेक ने भी इस खबर को पूरी तरह से फर्जी बताया है। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया मलेरिया का पहला वैक्सीन। मलेरिया की पहली वैक्सीन भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से बनाई गई है। आइवरी कोस्ट इस वैक्सीन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश बन चुका है। इस देश में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा R21 वैक्सीन की 656,600 खुराकें भेजी गई हैं। इस वैक्सीन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी मान्यता मिल चुकी है। मान्यता मिलने के बाद इसे अफ्रीका भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि ये वैक्सीन दुनिया की दूसरी मलेरिया वैक्सीन है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि BPSC बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, प्यार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में कौन पहले ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स की मेजबानी करेगा?
ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है गोवा। हाल ही में साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है कोलकाता। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेवा NEVA फंडिंग और जेट खरीद को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए है गृहुत पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन बी है राजगीर पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन सी है कैमूर पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन डी है बंकू पहाड़ी क्षेत्र। इसका सही उत्तर है कैमूर पहाड़ी क्षेत्र। छठवीं सदी में विश्व की पहली लोकतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? ऑप्शन ए है बोधगया, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्रा, ऑप्शन डी है नालंदा। इसका सही उत्तर है वैशाली। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है संजीव कुमार, नीतीश निगम, राजकिशोर महतो, उमेश ऋषिदेव, रामायण यादव, पंकज कुमार दास, पूनम लता, राजू कुमार, मोहम्मद असगर कमाल, नुन्नू गोलू कुमार, अस्मिता देवी, राजीव कुमार। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप अपने क्षेत्र के सरकारी स्कूल के शिक्षा व्यवस्था से संतुष्ट हैं या नहीं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।